गुड मॉर्निंग भैया। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आज सुबह के 9 बज रहे हैं और आज दिन है मंगलवार जी। आज आपकी नई फिल्म का मोहब्बत है, मुहूर्त है मोहब्बत पूर्व, क्या कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को? सबसे पहले तो अपने दर्शकों को सादर प्रणाम है मेरा, और आज बहुत शुभ दिन है, मंगलवार का बजरंग बली का दिन है, और इस फिल्म का मुहूर्त हुआ मोहब्बत पूर्व, जो कि टाइगर रियल टाइगर फिल्म से ये फिल्म बनाई जा रही है और संगीता फिल्म प्रोडक्शन से, और फिल्म का नाम है मोहब्बत पूर्व, और इसके निर्देशक हैं बड़े भैया हमारे शत्रुघ्न चौरसिया जी, गोस्वामी जी शत्रुघ्न भैया, और निर्माता है इसके दीनानाथ चौरसिया जी। तो बहुत अच्छा है, और सुबह सुबह हम लोग आए और बहुत संपन्न हुआ, और इसके लेखक हैं बड़े भैया हमारे गोस्वामी जी, जो कि हमसे पहले से जुड़े हुए हैं और बहुत प्यारे भैया, और खुशी की बात यह है कि हमको प्यार करने वाले बहुत मानने वाले हमारे बड़े भैया लोक संगीत के बहुत अच्छे गायक, और एक कह लिया जाए कि जो विधा लोग छोड़ दिए थे वो विधा को सबसे पहले तो यही गायक थे, मतलब कि जैसे विजयलाल भैया और ओम प्रकाश दीवाना भैया, बहुत सारे गाने इनके हम बहुत प्यार करते हैं, ओम प्रकाश दीवाना भैया। तो बहुत अच्छा लग रहा है, सुबह सुबह मुहूर्त हुआ है, और आप लोगों का प्यार आशीर्वाद चाहिए मोहब्बत पूर्व। पिक्चर का नाम है मोहब्बत पूर्व, किस सही में मोहब्बत होगी किसी से? अब जो नाम है तो ऐसा आप ये तो डायरेक्टर साहब बताएंगे कि नहीं कितनी मोहब्बत करवाते हैं। समर जी, आज आज तक आपको किस मोहब्बत हुआ है? मोहब्बत हर लोगों से है, हमारी जनता से मोहब्बत है, जो कि इतना प्यार देते हैं लोग, मोहब्बत तो हर कोई करता है, हम करते हैं तभी वो लोग हमको करते हैं, या वो लोग करते हैं तो हम करते हैं, तो मोहब्बत तो हर जीवन में है। कुछ नई फिल्म आपकी रिलीज में जरा जानकारी देंगे उसकी? अभी विनाशक मुंबई और गुजरात में रिलीज हुई है, इसके बाद यूपी बिहार झारखंड दिल्ली, मतलब हर जगह पे रिलीज की जाएगी एक साथ, और उसके बाद तैयार है कसम तिरंगा के रिलीजिंग के, और लव लेटर है लाल चुनरिया वाली पे दिल आया रे, तमाम ऐसी फिल्में अभी रेडी हैं, सुहागन रेडी हो गई है जो कि बहुत अच्छी फिल्म बनी है, पारिवारिक फिल्म बनी है, मल्टी से प्रोड्यूसर है। फिल्म के संगीतकार है दामोदर राव जी, जी कुछ गाना चाहेंगे? कभी मिल मुलाकात हुई इनसे आपकी? दामोदर भैया से हम कई बार मिले हुए हैं पहले भी, और इधर बीच हमको लगता है कि एक दो साल हो गए हैं, बातें होती हैं हमारी, मिले नहीं हैं, अब यहाँ से मिलेंगे, हम लोग गीत संगीत के लिए और गानों के लिए बैठेंगे, उस पर वर्क करेंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? जी और कुछ बताना चाहते बता सकते हैं पीछे सुहागरात के बारे में? एक्चुअली क्या है कि जैसा नाम है वैसा पिक्चर में काम होना चाहिए, और खुशी इस बात की है कि समर भैया और हम बहुत अच्छे मित्र हैं स्टेट में, और फिल्म में भी पहली बार मुलाकात हुई अच्छे मित्र के रूप में, जहाँ तक डायरेक्टर के द्वारा बताया गया, और हमारे पिक्चर के लेखक कवि भृगु बिरिंदा जी के द्वारा बताया गया, जो इस लाइन में मेरे लिए गुरुतुल्य हैं और गुरु की तरह मुझे मानते हैं, प्यार दुलार देते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपकी पहली फिल्म में क्या कुछ उम्मीद है इस फिल्म से? हम मोहनिया बिहार के रहने वाले हैं, सम्मानीय बड़े भैया मनोज तिवारी जी के इलाके से बिलोंग करते हैं, और इस फिल्म से बहुत उम्मीद है, पहली फिल्म है हमारी, डेब्यू फिल्म है, आशा करता हूँ समर भैया का साथ मिलेगा तो हम दोनों लोग अच्छा करेंगे। तो मनोज तिवारी की जगह से क्या कहना चाहेंगे, राजनीति में इतना बड़ा हमको सफलता मिलने वाला है, इधर देखिए। अच्छा ठीक है, तिवारी जी के विषय में कुछ कहना है? वैसे हम बहुत पुराने फैन हैं उनके, उनके बहुत सारे गाने हमको पसंद आते हैं, और राजनीति का जहाँ तक सवाल है तो राजनीति के चीज़ों के विषय में मैं बहुत कुछ नहीं जानता, नहीं कुछ ज़्यादा कहना चाहता। खुशी मिल रही है अगर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं तो? बिल्कुल खुशी होगी, हमारे जिले के हमारे बड़े भाई हमारे गार्जियन अगर चीफ मिनिस्टर बनते हैं वो भी राजधानी के, तो बहुत खुशी होगी, बेहद खुशी। फिल्म के प्रोड्यूसर है दीनानाथ चौरसिया, जिनके बारे में कुछ कहेंगे? सर से पहली बार मुलाकात हुई है, पहली मुलाकात में लगा कि सर बहुत नेक इंसान है, और जहाँ तक हमें डेब्यू करने की बात है तो मेरे लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। आपके कोई गाने जो सुपर हिट हुए हैं जरा दर्शकों को बताएं? अभी मेरा ट्रेड बिरहा से, बिरहा में 5-6 गाने बहुत सुपर डुपर हैं जो हर लोगों के जुबान पे है, एक है भाई का प्यार और कुदरत का करिश्मा, दिल्ली गैंगरेप,
माँ शक्ति माई, अभी हाल ही में धोबी लचारी गीत हिट हुआ है अखिया के झुलुआ, उससे एक दिन गुनाइएगा जरा। उसमें है एक पत्नी अपने पति से कह रही है कि हर जाई के बहरावा सैया हमके भुलई ह जानी ए सैया हो अखिया के झूलुआ झूलई ह जानी जा। समर जी, आपके काफ़ी सुपरहिट गाने आजकल मार्केट में बज रहे हैं, इसका जो ट्यून है जो टोन है दूसरे सिंगर नहीं पकड़ पाते हैं, ये आइडिया कहाँ से आती है आपको जो म्यूजिक बनती है? नहीं, लोग से सीखते हैं, जैसे कि विजय लाल दिया है, हम इन लोगों का गाना जो ये लोग बिरहा में टोन गाते हैं या जो बोलते हैं वही से सीखते हैं। दिनेश भैया का बहुत पुराना पुराना गाना हमने सुना जो धोबी गीत उन्होंने गाया था, तो उसमें उसमें से चीज़ें हमने निकाली हैं, क्योंकि अगर वो सब हम नहीं सुनते नहीं जानते तो हम कभी ये कर नहीं पाते, क्योंकि हम लाइव कभी जीवन में गाए नहीं थे। ट्रैक बनता था उसमें गा लेते थे जैसे सब गाते, बट हमने उस सब चीज़ों को सुना। और सबसे बड़ी बात है कि जब हमारा पहला गाना हिट हुआ था गन्ना का, जिस कंपनी से वो गाना था, लोकल कंपनी उस टाइम की थी किरण मोदी, उसी कंपनी से उसी टाइम पे प्रकाश भैया का गाना उस कंपनी में था दिल्ली गैंगरेप, तो इनका भी बहुत बड़ा गाना हिट हुआ था। तो हम लोग कह लिया जाए कि कई कंपनी से हिट हुए थे। दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, ये जब गाना आया था निरहुआ सटल रहे दुल्हन रहे बीमार, तो वो जो टोन था उस चीज़ को आज के डेट में जितने हीरो हैं भुला चुके हैं, और आप उस चीज़ को पकड़े हैं, मतलब जो देसी जो तड़का है दर्शक उसे बहुत पसंद कर रहे हैं, तो उस तरह के म्यूजिक को बहुत पसंद कर रहे हैं, तो आप जो नई फिल्म दे रहे हैं क्या उसमें आपकी होगी इस तरह? जरूर आएगा, बहुत सारी फिल्मों में आ रहा है, और वो फिल्म के ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड करता है कुछ टाइप के गाने में डालना चाहेंगे, तो बना रहे हैं अभी, बाकी फिल्मों में वैसे गाने पड़े हैं इस फिल्म में भी जरूर पड़ेगा, जब जो चीज़ पसंद आ रही लोगों को तो उसको करने में कोई गलती नहीं। गोस्वामी जी कितना समर्थन करते हैं इस बात का, संगीत का 100% करेंगे पूरा जरूर। क्या कहना चाहेंगे, आज मोहब्बतपुर का मुहूर्त लिया गया है, समर जी फिल्म के हीरो हैं, भाई साहब जितने लोग आए हैं, समर जी आए हैं, दिवंगत जी और दिलीप जी, फर्स्ट टाइम इन लोग के साथ काम कर रहा हूँ, और जो भी सही होगा मैं करूँगा। अब मोहब्बतपुर को ऐसा बनाऊंगा कि एक मिसाल बनेगा कि मोहब्बतपुर बना। मोहब्बतपुर स्टोरी एक छोटे से गांव की है जहां पे सारे धर्म के लोग रहते हैं और एक दूसरे से मिलकर, ना वहां चुनाव है ना नेता है ना कोई है, क्योंकि नेता जहां भी आ जाते हैं वहां समाज गंदा हो जाता है, ऐसा हमारा मैसेज है। इसलिए हमारा समाज एकदम मतलब ना धर्म जानता है ना जात जाता ना पात जाता, सिर्फ मानव है इंसान है। तो ये मोहब्बतपुर मोहब्बत से हम जीतेंगे और मोहब्बतपुर एक ऐसा बनाएंगे कि एक अच्छी मूवी बने जिसको लोग सराहें और देखें। मोहब्बतपुर शूटिंग कब से स्टार्ट कीजिए, कहाँ करने वाले हैं? हम यूपी में ही करने वाले हैं और बलिया के आसपास करेंगे, और भैया का डेट है अप्रैल के आसपास, तो अप्रैल में हम शूट करेंगे। और कौन कौन से कलाकार हैं इस फिल्म के अंदर? इस फिल्म के कलाकार तो अभी हमारे फाइनलाइज नहीं है, अभी सिर्फ दोनों भाई अभी सब है, बाकी हीरोइनों के लिए चल रहा है, और बाकी करेक्टर रोल के लिए अभी कास्टिंग। क्या उम्मीद है दोनों लड़कों, एकदम जवान नजर आ रहे हैं अपने जवान लड़कों के लिए कुछ? नहीं, हमारी तो बहुत उम्मीदें हैं, मैं इनके साथ इतना तालमेल करके अच्छा काम करूंगा कि शायद इन्होंने जो किया हो उससे बेटर, क्योंकि मैं अभी भी कुछ फिल्में करके आया हूँ नीलम तिवारी जी के साथ में, अभी एक फिल्म किया है तो बोलू और ऋचा दीची फिल्म में ऐसा कुछ था ही नहीं, लेकिन फिर भी मैंने उस फिल्म में इतना जान झोंक दिया कि आज देखने में ऐसा लग रहा है कि भिखारी उन्हें एक कट भी नहीं मारा उसका, तो मुझे इस बात की खुशी है और इन लोगों का समर्थन रहा तो मैं बेटर देन बेटर बनूंगा। समर जी को आपने क्यों साइन किया कि एज ए हीरो या एज ए सिंगर हिट इसलिए? नहीं सर, एज आर्टिस्ट मैंने साइन किया, सिंगर नहीं, सिंगर तो है ही नहीं, जैसे कि आज डेट में मार्केट में हल्ला मचा हुआ है, सिंगर है वो बहुत अच्छा हीरो है,
तो उस पे आपको क्या कहना है, एज ए आर्टिस्ट साइन किए हैं एज ए सिंगर आप देख करके मार्केट वैल्यू देख के? देखिए क्या आता है कि आज फिल्म बेचना है हाँ। तो मार्केट वैल्यू भी देखना है, प्रोड्यूसर को भी जिंदा रखना है हाँ। और काम भी करना है, लेकिन एक्टर ये बहुत अच्छे हैं। मैंने इनके साइन करने से पहले इनको बोला कि मैंने आपकी फिल्म देखी, मतलब समर सिंह बिकाऊ हीरो है और किताब हीरो है और आने वाले दिनों में हीरो में ही बिकेंगे। सिंगर ठीक है, सिंगर तो चलता है, पहले सुना था गांव में दुल्हा बिकते थे, आजकल हीरो बिक रहे हैं। आर्टिस्ट बिकता है, आर्टिस्ट का टैलेंट बिकता है, करेक्टर एक ऐसा बनाया जाता है जिसमें वो ढल जाता है, वही एक्टर है। और मैं चाहूंगा कि देसी तड़का इन्होंने बोला ना, मैं खुद वहाँ बलिया और उधर क्षेत्र का रहने वाला हूँ, प्योर भोजपुरी हूँ, तो मैं उसमें जितना तड़का डाल सकूँ लोकल से लोकल, जो वहाँ का जीवन तो आज के डेट में है। गोबर का महत्व तो हम ही लोग समझ सकते हैं यहाँ के लोकेशन में, तो गोबर की महत्वता मुझे बताने की, उसकी सुगंध, अपने गाँव की मिट्टी, अपनी खुशबू उस मोहब्बतपुर में डालूंगा जो लोगों को अच्छा लगे। गोस्वामी जी और कौन कौन फिल्म आपकी रिलीज हो चुकी है? मेरी फिल्म सन 2005 में मैंने सिर्फ किया था, उसके बाद मैं सीरियल में इतना बिजी हो गया कि मैं फिल्म नहीं कर पाया, लेकिन लोगों ने मेरे को बोला कि आपने अपनी भाषा अपना चीज़ है, तो मैं अब मैं सोचा हूँ कि मैं फिल्म करूँगा कुछ भी, तभी आ रहा हूँ। धीरू गोविंदा जी मैं बताइएगा, अच्छे आदमी हैं बुरे हैं? ये तो अच्छे बुरे की बात ही नहीं, ये तो बहुत ही अच्छे राइटर, बहुत अच्छे गीतकार, बहुत अच्छे आदमी हैं, और इन्होंने बहुत सारा मेहनत किया है, आज इस मुकाम पर खड़े हैं कि इनकी एक अच्छी पहचान है। समर जी अभी देखा जाए काफ़ी टाइम से अश्लीलता चलती थी भोजपुरी में, आज वो चीज़ खत्म हो चुकी है, लेकिन कुछ गाने हैं जो अभी बज रहे हैं, जैसे होली आने वाला है तो उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, होली का भी बहुत सारा गाना है, थोड़ा सा होली में लोग रहते हैं मस्ती में, अपने ससुराल में जाते हैं, साली को लगाते हैं या भाभी से भी थोड़ा मोड़ा मजा करते हैं, बट उतना नहीं। लेकिन हाँ, अश्लीलता पर बात की जाए तो अभी जैसे निरहुआ सटल है पूरे परिवार ने सुना, वैसे ही आजकल के गाने सभी लोग गा रहे हैं, और सब लोग यही चाह रहे हैं कि हमारे गाने हमारे घर वाले सुने, आपको तब खुशी होगी, आप तब हिट मानेंगे अपने आप को जब आपके गाने आपके परिवार वाले सुने, तो वैसा करना है। और उस सबको अश्लीलता को हटा के सब जगह से, कुछ लोग अभी भी कर रहे हैं लेकिन उनको भी चाहिए कि नहीं उस सबसे दूर हो जाए और अच्छे गाने बनाए। आज देखिए कौन ऐसा परिवार है जो गाना नहीं सुन रहा है आज, चाहे हारमोनियम ढोलक, उनको चीज़ें अच्छी मिलनी चाहिए। हारमोनियम ढोलक का अगर गाना इतना बड़ा हो सकता है तो हम साफ सुथरा गाना बनाएंगे बजेगा। यूपी बिहार में होली के माहौल जम चुका है, कुछ आपके गाने रिलीज भी हो चुके हैं, जरा हमारे दर्शकों को एक लाइन सुनाए जरा। अभी हमारा गाना उतना तो भी नहीं छूटा है, लेकिन अभी दो तीन दिन बाद छूटेगा होली का गाना। और अभी एक गाना हमारा आज छूटा है, उसका एक लाइन सुना देते हैं आपको, कॉमेडी सॉन्ग है। हर की अपने मलावा के गलावा लाल करेंगे, वो है कि अपने मलावा के गलावा लाल करेंगे, असो होलिया में असो होलिया में बकरा हलाल करेंगे। तो ये गाना आया है समर सिंह ऑफिशियल से, आज वीडियो उसका छूटा है, और एक मैसेज कह लिया जाए कॉमेडी का, बहुत कॉमेडियन गाना है, अगर जो लोग नहीं देखे होंगे तो समर सिंह ऑफिशियल पे जाके देख लेंगे। और बहुत सारे गाने आ रहे हैं, तो आप लोग करीब 20-25 गाने, 25 गाने लेके आएंगे सभी कंपनियों से। करता तो होगा ही, कहा कि लोग वेट करते हैं कि नहीं भाई का गाना नहीं है, भाई का गाना नहीं है, तो सब गाने आ रहे हैं, लाइव गाने आ रहे हैं, सिक्वेंस गाने आ रहे हैं, और बस भरपूर प्यार आशीर्वाद चाहिए सब। ओम प्रकाश जी आपके होली गाने आने वाले हैं? हाँ, 4 गाने रिलीज हुए हैं और अभी 4 गाने और रिलीज करना है। जरा एक तड़का सुना दीजिए भैया जैसे। अब अभी समर भैया हमारे कॉमेडी सॉन्ग सुने हैं तो हम भी कॉमेडी सॉन्ग सुनाते हैं। तो अभी सैटरडे को रिलीज होने वाला है, उसमें कोई लड़का है अपनी माल को पटाखे घुमाने गया है होली का दहन के दिन सुबह। हाँ, माल पटाखे भोजपुरी में हम लोग गर्लफ्रेंड को माल कहते हैं। तो पटाखे गया है शॉपिंग माल कहते हैं। हाँ, शॉपिंग को माल कहते हैं, शॉपिंग माल कहते हैं। तो सुबह में वो कोई लड़की आती है, पूछती है कि जरा
बताओ यार होली खेलने का तेरा मूड नहीं, तो वो बोलता है, वो लड़का बोलता है, अरे खेल नहीं पाऊंगा होली अरे, तंग मत कर रम कलिया रे, रम कलिया रे। लड़की बोलती है क्यों, तो लड़का बोलता है, अरे क्या क्या बताऊं रे, क्या क्या सुनाऊं रे, ए मत पूछ मैं लूट गया रे, लूट गया रे, अरे लूट गया रे। लड़की बोलती है क्यों रे, तेरे घर में डाका पड़ा था क्या, तो लड़का बोलता है चुप बे, डाका तेरे घर में पड़े, तो आखिर हुआ क्या, तो लड़का बोलता है, अरे पिचकारी मेरा टूट गया रे। तो लड़की पूछती है पिचकारी कैसे टूट गया रे। भीरू जी, भीरू वृंदा जी, कैसे हैं आप? अच्छा है। मोहब्बतपुर का फिल्म का मुहूर्त किया समर जी को लेकर, क्या कुछ आपकी राय बताएंगे दर्शकों को? जी हमें बहुत बड़ी खुशी है कि मेरी लिखी हुई फिल्म कहानी मोहब्बतपुर में समर जी और ऊपर ओपी दीवाना जी काम कर रहे हैं। ये कहानी को देखने के बाद वास्तव में लगेगा कि मोहब्बत जो है मोहब्बतपुर में बसती है, लेकिन कुछ नेताओं की इस गांव की खासियत को देख के बुरी नज़र लग जाती है और उस गांव के लोगों को फोड़ देते हैं, तहस नहस कर देते हैं, लेकिन इन लोगों की जागरूकता के आधार पे लास्ट में सत्य की जीत और असत्य की पहचान होती है और फिर वो गांव स्वर्ग बन जाता है, मोहब्बत में मोहब्बत जिंदा होती है। समर सिंह के बारे में कुछ कहना चाहेंगे जी? समर सिंह जो फिल्म के हीरो हैं, हाँ क्या कुछ कहना चाहेंगे बताइए जी? ये गांव के जो प्रधान है, प्रधान के लड़के हैं समर जी। नहीं मैं अभी जी के बारे में, समर जी कैसे आदमी हैं? इतने अच्छे गायक और इतने अच्छे कलाकार हैं, तब मैंने गोस्वामी जी को अपने डायरेक्टर को मैंने बोला, सुझाव दिया कि मगर आ जाते हैं तो जैसे कि एक्शन जो रोल है बहुत दिन में जमेगा, इसलिए इन लोगों ने डायरेक्टर, हमारे डायरेक्टर साहब ने समर जी को धन्यवाद। अच्छा, और इसमें दो हीरो हैं जी, एक है दीवाना जी और एक है समर। अच्छा, तो दीवाना जी कौन, कुछ कहेंगे? ओपी दीवाना जी कैसे आते हैं? इनको मैंने बताया था कि एक कहानी है ऐसी, इन्होंने बोला था कि मैं करने को, कहानी बहुत अच्छी लगी, मैं करने के लिए तैयार हूँ, और फिर ये साथ जुड़े। और फिल्म में कोई स्टार कास्ट फाइनल हुआ है जी? और फिल्म में कोई स्टार कास्ट फाइनल हुआ है? हाँ, अभी हो रहा है, चालू है। अब कैरेक्टर के हिसाब से मैं डायरेक्टर साहब को पूरी मतलब की आजादी है कि जो कैरेक्टर में ठीक बैठता है उसका ये सिलेक्शन। हम लोग काम मिलेगा? हम लोग काम मिलेगा फिल्म में? जरूर जरूर जरूर, बहुत सारे बिल्कुल काम मिल जाते हैं। धन्यवाद सर, जानकारी देने के लिए। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।